हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक नया शो जिसका नाम है हसमुख। इस शो में हमें नजर आते वीर दास, रणवीर शोरी, रवि किशन, रजा मुराद सर और इनामुल हक। इस सीरीज में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे के। सीरीज की कहानी शुरू होती है सहारनपुर से, जहां पर हमें नजर आते हैं वीर दास, जिसका इस सीरीज में नाम है हसमुख। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, तो इस वजह से उनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, वो किस तरह से स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं, बेसिकली यही सीरीज की कहानी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे मेन बात बता दूं कि सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, हटके। मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट कभी भी आज तक किसी भी सीरीज में नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर साहब से बहुत बड़ी गलती होगी। वो गलती ये है कि स्टार्ट के 3 एपिसोड इसके शो के बहुत अच्छे लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप कुछ यूनिक चीज देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि सेम वही चीज आपको 4th एपिसोड में देखने मिल रही है, वही चीज 5वें, वही 6ठे, वही 7वें, वही 8वें, इवन वही 9वें। सीरीज में जो असली मजा है वो 10th एपिसोड में, लेकिन जब तक के बहुत ज्यादा देर हो जाती है, जो कि जो रिव्यूअर्स का जो एक इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और मैं आपको पर्सनली मेरा ओपिनियन दूं तो मुझे ये सीरीज एक बिलो एवरेज लगी, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सीरीज नहीं मिली। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी डायरेक्टर साहब बराबर से खींच नहीं पाए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। परफॉर्मेंस की बात करो तो परफॉर्मेंस सभी एक्टर ने अपना काम बहुत अच्छे निभाया, स्पेशली वीर दास ने अपना काम बहुत अच्छे किया और रणवीर शोरी, उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया उनको। और रवि किशन की बात करो तो रवि किशन यहाँ पे जिस तरह के रोल में, वो उस रोल में बहुत ही सटीक बैठते हैं, जो इस सीरीज में भी आपको बहुत ही फनी लगते हैं। उसके अलावा रजा मुराद सर का काम भी बहुत अच्छा, इतना नहीं है मगर जितना भी अच्छा है। और स्पेशल मेंशन करूंगा इनामुल हक की, इनामुल हक भी एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, इवन उसका भी काम इस सीरीज में इतना नहीं, आपको स्टार्टिंग के एपिसोड में नजर आएंगे, उसके बाद वो आपको नजर नहीं आते, उसी से आपको एंड में नजर आएंगे, लेकिन जिस तरह से उनके एंट्री पे जो वो फनी जोक करते हैं आपको बहुत हंसी आएगी। उसके अलावा जितनी भी यहाँ पर जोक्स या जितने भी सटायर मारे थे, कुछ जोक्स पे आपको हंसी आएगी, कुछ जोक्स पे आपको हंसी नहीं आती है, और सटायर इस शो के बहुत अच्छे है। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स होना चाहिए, एक थ्रिल महसूस होना चाहिए, इस तरीके के शो में वो महसूस नहीं होता। चीजें हो तो रही लेकिन वो इंटरेस्ट कहीं बनता नहीं है। ओवरऑल अगर मैं इस शो की बात करूं तो 10 एपिसोड होने के बावजूद भी ये शो अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी कि आपको इसका सीजन 2 देखना पड़ेगा, कि कहानी अभी तक खत्म हुई नहीं है। तो मुझे थोड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है कि डायरेक्टर साहब ने शायद कुछ जल्दबाजी कर दी, क्योंकि अगर इसकी कहानी अगर एकदम टाइट ये लिखते और 10 एपिसोड में ये पूरा सीजन 1 और सीजन 2 की कहानी बता देते तो ज्यादा देखने में मजा आता था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बोलते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो शायद सोचेंगे कि भाई सीजन 1 चल जाए तो सीजन 2 के लिए और भी ज्यादा कमाई हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अफसोस है कि सीजन 1 ही बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 5 में से 2। मुझे माफ करना क्योंकि यार मैं किसी की भी मेहनत या किसी की भी वर्क को ऐसे खराब नहीं बोल रहा था, लेकिन वाकई में इसमें काफी ऐसी चीजें थी जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। इवन दो कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छा था, बहुत कुछ कर सकते थे इस कॉन्सेप्ट को लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो गई है। मैं इस सीरीज को दूंगा 5 में से 2, 1 स्टार दूंगा इसके बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के लिए, और 1 स्टार दूंगा बहुत ही जबरदस्त सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस। यार बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको ये सीरीज देखना है तो आप जरूर देखना, मैं आपको मना नहीं करूंगा। बस मुझे जो कुछ लगा था मैं इस सीरीज के बारे में आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। तो मैं हूँ राशि शेख और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट। तो हम लोग मिलते कल किसी नए वीडियो में, टिल देन।